खाने को। मैं सलीम खालिक क्रिकेट कॉर्नर के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे शान मसूद से, पाकिस्तान के ओपनर हैं और साउथ अफ्रीका के टूर में इनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, दो उन्होंने मिस सेंचुरियाँ बनाई, क्योंकि और अच्छा होना चाहिए था, लेकिन दूसरों प्लेयर्स की अगर आप परफॉर्मेंस देखें उनके मुकाबले में इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही थी। इनसे बात करेंगे इनकी अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से, PSL में भी मुल्तान सुल्तान के उन्होंने ही करेंगे, इस हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करेंगे। आइए बातचीत का आगाज़ करते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले मुझे ये बताएं, शान मसूद का ये जो 2.2 आया है, यानी ये इतना बेहतरीन किस्म का बिल्कुल चेंज लग रहे हैं आप। फिटनेस तो पहले भी आपकी अच्छी थी लेकिन परफॉर्मेंस में भी बिल्कुल चेंज, तो क्या इसका राज है, क्या आपने ऐसा खास किया? बस आई थिंक अगर उसको सही तरीके से देखेंगे तो पिछले 2 साल में क्रिकेट काफ़ी खेली है, और जब आप क्रिकेट खेलते हैं और उसके पीछे आप काम करते हैं अपने ऊपर इन टर्म्स ऑफ अपने जो स्किल्स होते हैं, अपने फिटनेस होता है, और फिर आपको मौका मिलता है, डोमेस्टिक क्रिकेट हो गई, पाकिस्तान ए टीम की क्रिकेट हो गई, फिर अब आके इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई, जब आपको मौका मिलता है जो आपने पीछे काम किया हुआ था उसको उसमें पेश करने का, तो फिर वो परफॉर्मेंसेज में भी रिफ्लेक्ट करता है। तो यही था कि क्रिकेट काफ़ी खेली है, क्रिकेट की समझ थोड़ी बेहतर आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और कोशिश यही है कि इससे भी बेहतर इंशाल्लाह प्लेयर बनना। कई लोगों से मेरी बात हुई, मुझे यही बताते हैं शान मसूद ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, ट्रेनिंग भी बहुत करता है और मैचेस भी जहाँ वो खेल रहा होता है, तो ये जाहिर है किया होगा आपने ऐसा? देखें वही बात है कि जो कुछ आपको मिलना है वो आपकी जो भी ऑन द फील्ड आपकी परफॉर्मेंसेज होती हैं उसी से मिलेगा, तो उसको बेहतर किस तरीके से करना है और हर दिन अपने आप को कैसे बेहतर करना है वो चीज़ होनी चाहिए। अभी भी आई थिंक मेरा ही टारगेट यही है कि वहाँ से आया हूँ तो जो वहाँ अच्छी चीज़ें की हैं उनको साथ लेके चलना है, और जो गलतियाँ की हैं जो चीज़ें और बेहतर कर सका था, मेरा काम है कि मैं पीछे जाके अब जो भी मुझे टाइम मिलता है उसमें वो इम्प्रूव करूँ और आगे अपनी परफॉर्मेंसेस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करूँ। साउथ अफ्रीका का जो टूर था उसमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, 2 आपने 50s बनाई, लेकिन आप भी ये महसूस कर रहे होंगे बीइंग अ ओपनर सेंचुरी भी होनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल, अगर मैंने जहाँ भी बात की है बातें यही हो रही हैं कि परफॉर्मेंसेज अच्छी थी, लेकिन इस स्टैंडर्ड पे, इस लेवल पे और जहाँ अपने आप को मतलब मैं देखता हूँ और कम्पीट करना चाह रहा हूँ, उधर फिर मज़ा तभी आएगा जब ऐसी कंडीशंस में ये जो 2.50 थे या जो साथ में 40-40 थे वो 50 होते और जो 2.50 थे वो 100 होते। तो अब आगे के लिए मेरे लिए यही लेसन है कि इंशाल्लाह अगली बार जब भी मौका मिलेगा तो जहाँ मुझे 60-70 रन्स पे अगर मैं खेल रहा हूँ तो मेरा काम है उसको एक बड़े 100 पे कन्वर्ट करना, क्योंकि जब आप करियर अपना ख़त्म करते हैं एज अ बैट्समैन, स्पेशली ओपनिंग बैट्समैन, आपके 100 का कॉलम देखा जाता है, और अभी तक मेरे टेस्ट करियर में 1 ही 100 है, और मेरी काफ़ी मतलब ख्वाहिश है कि मैं और मतलब कि मैं आगे जाके इस कॉलम को जितना बढ़ा सकूँ उतना बढ़ा। तो क्या ऐसी गलती आप कर रहे थे आपको लग रहा था जिसकी वजह से 40-60 इसके बीच में आप आउट हो रहे? देखें एक तो जहाँ क्रेडिट देना है वहाँ देना होगा साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अटैक को, कि स्पेशली क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट थी और ऐसी कंडीशंस में थी कि आपको कहीं रिलैक्स होने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। जैसे हम खेलते हैं क्रिकेट डोमेस्टिक में खेलते हैं, जहाँ बंदा 60-70 पे आ जाता है तो वो रिलैक्स इनफ हो जाता है, उसको पता होता है कि अब मैं सेट हो गया हूँ और अब मैं अपनी इनिंग्स को लंबा कर सकता हूँ। उधर ये था कि आप किसी भी बॉल पे सेट नहीं थे, एक ना एक बॉल ऐसा आ जाता था जो जिस पे आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, जिस तरीके से हमने विकेट्स देखी थी वो सपोर्ट करी थी, तो आई थिंक वही होता था कि छोटे छोटे जैसे सेंचुरियन में मैं जब हसन अली के साथ खेल रहा था वो ज़रा सा उधर रश ऑफ ब्लड हो गया था कि आखिरी विकेट मेरे साथ खेल रही है सेकेंड लास्ट विकेट, तो मुझे रन्स करने चाहिए, मुझे ज़रा सा और उसमें ना क्लेवर होना चाहिए था, शॉट मारना चाहिए था लेकिन ज़रा सा सिलेक्टिव शॉट मारना चाहिए था। मैंने उधर शॉट मार दिया जहाँ 3 फील्डर बाउंड्री पे खड़े हुए थे। केप टाउन में अगर पहली इनिंग्स देखें, मैं और सरफराज काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, 44 रन्स हो गए थे, रबाडा को उस बॉल से पहले चौका मारा तो ज़रा सी एरर ऑफ जजमेंट हुई, लाइन मैंने जज नहीं की जिसकी वजह से मैं कॉट बैंड हो गया, और फिर जो तीसरी डिसमिसल थी जो 61 पे आउट हुआ उसमें भी ये था कि लंच टी से पहले 8 मिनट रहते थे और स्टेन का मतलब समझे लास्ट या सेकंड लास्ट ओवर होता है उस सेशन से पहले, तो वो उसने एक सेटअप करने की कोशिश की कि वो मुझे ज़रा सा ऑफ साइड पे खिंचे हुए लेंथ पे बॉल करे, और उसने डिफरेंट पेसेस से तीनों बॉल किए, तो जो बॉल मतलब वो एक कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी में था कि आपको पता नहीं होता कि उस बॉल को खेलना है या छोड़ना है, तो बस वही था कि वो एक अच्छा बॉल था, लेकिन एज अ बैट्समैन आप यही चीज़ें ढूंढते हो कि आप ऐसे अच्छे बॉल से भी किस तरीके से बचो, तो छोटी छोटी चीज़ें जो आगे लेके जानी होंगी, और ये छोटी वो चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे प्लेयर और एक ग्रेट प्लेयर को सेपरेट करती हैं।
शॉर्ट पिच बॉल्स का पाकिस्तानी प्लेयर्स काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आपने अच्छी तरह से सामना किया मेरे ख्याल। कोच ने भी एक जगह आपके बारे में ये बात बोली थी कि शान ने शॉर्ट पिच पिच बॉल पर अच्छा खेला। देखें, आप देखते हो कि आप क्रिकेट किधर खेलने जा रहे हैं, और हमें पता था हम साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, तो एज ए बैटिंग यूनिट कलेक्टिवली हमने कोशिश ये की थी कि जो हमारी प्रैक्टिस हों वो उस टाइप ऑफ शॉर्ट बॉल के अराउंड वो चीज़ रिवॉल्व करे, तो हमने उस चीज़ की प्रैक्टिस काफ़ी की थी। अगर वैसे भी देखा जाए ना तो जो हमारे मेन बैट्समैन थे वो कोई शॉर्ट बॉल से ऐसे डिस्टर्ब नहीं होते, लेकिन जहाँ डिफरेंस हम में और दूसरी जो होम टीम्स हो जाती हैं साउथ अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में, वो ये होता है उनको शॉर्ट बॉल पे रन्स करना आते हैं क्योंकि वो उस चीज़ के आदी होते हैं। तो अगर मेरा एक प्लान था, मेरा ये प्लान था कि अगर शॉर्ट बॉल मिलेगी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें मैं रन्स किस तरीके से करूँ, मतलब बजाय कि मैं इसको छोड़ता रहूँ, तो वो ज़रा सा काम आया, उस पर क्या कहते हैं रन्स भी काफ़ी हुए, और उससे उनकी लाइंस ज़रा डिफेंसिव हुई और लाइंस चेंज हुई, जिसकी वजह से क्या कहते हैं काफ़ी मतलब विकेट पर मैंने टाइम गुजारा। जो आप खेले, जो कमबैक आपका हुआ मैच, वो भी आपको मैंने शायद पढ़ा था 90 मिनट्स पहले आपको बताया गया था हारिस के जड़ होने पर आप खेल रहे टेस्ट। मुझे रेडी तो पहले ही कर दिया था, लेकिन कन्फर्मेशन नहीं दी थी, बस कहा था कि हारिस को नी में प्रॉब्लम है, तो शायद आज ज़रूरत पड़ सकती है आपको नंबर 3 पे खिलाने की। लेकिन बात वही है, जिस तरीके से मैं गया था, जो मेरी प्रेपरेशन थी, चाहे मैं ना खेल रहा हूँ, मेरी प्रेपरेशन ऐसी होती है जैसे मैं मैच खेल रहा हूँ, जब तक टीम ऑलरेडी टॉस ना हो जाए, टीम ना अनाउंस हो, क्योंकि देखिए ये क्रिकेट है, ज़िंदगी है, किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। और एट दी एंड हारिस, जब हम लोग ग्राउंड पहुँचे थे तो हारिस सोहेल ने फील किया था कि उसकी पोजिशन नहीं थी मैच खेलने की, तो वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी और एक चांस, और उसका क्या कहते हैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका में खेल सकूँ। अच्छा, आपकी जो लास्ट सीज़न था, परफॉर्मेंस जो थी वो लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट में ज़्यादा अच्छी थी जी, और फर्स्ट क्लास मैचेस आपने इतने खेले नहीं, शायद दो ही खेल पाए क्योंकि आप बिजी थे, लेकिन आपको मौका मिल गया टेस्ट में जी, और वनडे में आपको टीम में थे लेकिन खेलने का मौका नहीं मिला, तो लेकिन उसमें तो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस हो सकती थी। देखें, हम लोग अक्सर ये बात रियलाइज़ नहीं करते कि एक तो हर चीज़ का टाइम होता है, हर चीज़ का वक्त होता है, एक तो सब्र रखना चाहिए एज अ प्लेयर, फिर उस वक्त टीम को देखना चाहिए कि टीम में ऑलरेडी कौन खेल रहे हैं, टीम का कॉम्बिनेशन क्या है। और अगर आप देखें तो वनडे क्रिकेट में ऑलरेडी इमाम और फ़खर एक साल से खेल रहे थे और उन दोनों की परफॉर्मेंसेस वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छी रही थी, तो वहाँ एक था कि चांस नहीं बन रहा था। जहाँ तक आपने टेस्ट क्रिकेट का बोला जी, मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कम खेली थी, लेकिन जो ए टीम के टूर्स हुए थे इंग्लैंड के और न्यूजीलैंड के, स्पेशली न्यूजीलैंड सीरीज, वो मतलब इन टर्म्स ऑफ नंबर्स मेरी काफ़ी अच्छी गई, 100 भी किया बैक टू बैक, उसमें ईच इनिंग्स 100 हुआ, फिर तीसरी इनिंग्स में 73 हुआ, तो आई थिंक वही चीज़ थी जिसने शायद जो लोग रिस्पॉन्सिबल थे टीम सेलेक्ट करने में, सेलेक्टर्स हो गए, आपकी टीम मैनेजमेंट हो गई, कि उस वजह से उन्होंने ये भी सोचा कि वनडे में तो ऑलरेडी हमने इसको रखा हुआ है, मे बी हम इसको टेस्ट में भी, आई थिंक हफीज़ भाई उसी वक्त, हफीज़ भाई की भी रिटायरमेंट ऑल ऑफ अ सडन हुई, तो एक तीसरे ओपनर की ज़रूरत थी, तो आई थिंक उन्होंने वनडे टूर्स को देखते हुए टेस्ट में सेलेक्ट किया, और वही चीज़ थी कि एंड में हारिस इंजर्ड हुआ, वरना तो शायद पहला टेस्ट भी नहीं खेल रहा था। और वर्ल्ड कप स्क्वाड में देख रहे हैं अपने आपको? ज़रूर, हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है, और आई थिंक इतना करीब आकर वर्ल्ड कप के यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी खेलेंगे और पाकिस्तान के लिए अच्छे से अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो पाकिस्तान को काम आए, जो पाकिस्तान की जीत में काम आए, तो एक एक तरीके से एक्साइटमेंट है, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप हो रहा है, इंग्लैंड में खेलना ही एक बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है। बाकी यही है कि उससे पहले PSL है, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ है, तो कोशिश यही होगी कारकर्दगी इतनी अच्छी रहे कि और कोई मौका ना मिले कि वर्ल्ड कप का हिस्सा ना। PSL की तरफ मैं आता हूँ बाद में, पहले ये 2013 में आपका टेस्ट डेब्यू हुआ था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, 75 आपने किए थे, उसके बाद थोड़ा कैरियर आपका रुक सा गया है, और अब तक आपने मेरे ख्याल 15 टेस्ट खेले हैं, एक सेंचुरी आपकी है, 550 है जी, तो मेरे ख्याल 23 की एवरेज, आप खुद भी मुतमईन नहीं होंगे रिकॉर्ड्स देख के अपने आपको लगता होगा। बिल्कुल, आप इस ये बात आपने बिल्कुल सही की है कि जब बंदा अपने आप को एज ए टेस्ट ओपनर देखता है तो वो एक मिनिमम रखता है टारगेट की उसकी एटलीस्ट 40 के अराउंड का एवरेज हो, और बींग अ पाकिस्तानी ऑलरेडी ओपनिंग स्लॉट एक ऐसी है जिसपे काफ़ी मतलब वो स्क्रूटनी में होती है, ओपनिंग स्लॉट जो होती है, ओवर द ईयर्स पाकिस्तान के ओपनर्स काफ़ी चेंज हुए हैं, तो 2013 से मेरा करियर काफ़ी स्टॉप स्टार्ट रहा है, ऐसा भी नहीं रहा कि अक्सर होता है लोगों के साथ कि वो 4-5 साल बाहर होते हैं फिर आ जाते हैं, मेरा बेसिकली स्टॉप स्टार्ट रहा है कि एक साल खेला हूँ,
फिर नहीं खेला, 6 महीने में 1 मैच खेला, 2 मैच खेले, फिर नहीं खेले। तो उसमें यही होता है कि जो आपके पास अपॉर्चुनिटी आती है ना, आपको उसको ग्रैब करना चाहिए, उसमें आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन भी है पाकिस्तान में, डिफरेंट सीरीज़ होती हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं टीम की, कभी किसी तरीके का प्लेयर चाहिए होता है, तो आपको जब मौका मिलता है एज अ प्लेयर, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसी मौके के अंदर परफॉर्म करें, क्योंकि देखें किसी के लिए गारंटीड नहीं है कि किसी को भी आप 10 मैचेस लगातार दे देंगे। अच्छी बात यही होती है कि प्लेयर को कंसिस्टेंटली, अगर यही 15 टेस्ट मेरे एक साथ होते और मुझे साइड पे कर देते, या मैं अपने आप को खुद देख रहा होता, तो मैं कहता हाँ ठीक है, मैंने जो मुझे मौके मिले मैंने उसका सही फ़ायदा नहीं उठाया। लेकिन बंदा यह चाहता है कि उसको 10-15 टेस्ट या 5-10 टेस्ट उसको लगातार साथ मिले, ताकि वो अपनी कारकर्दगी सही तरीके से दे पा सके। कहीं इसमें से आप दबाव का शिकार तो नहीं थे कि आपके वाले साहब जो थे वो गवर्निंग बोर्ड में भी रहे और लोग इस तरह भी कहते थे कि शायद उनकी वजह से आप खेल रहे, आप वो नहीं है गवर्निंग बोर्ड में, तो आप ज़रा रिलैक्स हो गए? नहीं, आई थिंक ये बात आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करती, क्योंकि असल चीज़ होती है कि आप क्या कर रहे हैं और मतलब आपके वालिद साहब क्या कर रहे हैं। आई डोंट थिंक उनकी तरफ से कोई ऐसी इंटरफेरेंस थी मेरी क्रिकेट में, और ना कभी रही है, वो हमें पता था। लेकिन ऑब्वियसली जब लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं उस चीज़ को, तो शुरू शुरू में वो चीज़ इफ़ेक्ट करती थी, लेकिन इतनी मुझे समझ आ गई है कि जो भी मेरा नाम है या जो भी मैं जो भी जिस चीज़ पे मेरा ओपिनियन बनेगा वो मेरी ग्राउंड की परफॉर्मेंसेस पे बनेगा, और अगर मेरी ग्राउंड की परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी तो ये चीज़ें बिल्कुल मैटर नहीं करेंगी, नहीं होंगी तो सबका अपना ओपिनियन है, बंदा जो चाहे वो कह सकता है, लेकिन मेरा काम यही है। अब मुझे ज़्यादा समझ आ रही है कि जो भी मैंने करना है ग्राउंड के अंदर करना, मेरी कोशिश ये है कि मेरी परफॉर्मेंसेज इससे भी बेहतर। ये सर, मैं लास्ट ईयर भी मुल्तान सुल्तान के स्क्वाड में थे, आपको खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन इस दफ़ा आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी आ रही है जैसे 8 ओवर्स में इधर उधर, तो उम्मीद तो होगी कि आपको इस बार एक्शन में होंगे? उम्मीदवार बिल्कुल हूँ, जिस तरीके से वनडे का टच किया था, T20 गेम भी मेरा बेहतर होता जा रहा है, इम्प्रूव होता जा रहा है, तो कोशिश यही है। अगेन वही चीज़ है कि PSL एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है किसी भी प्लेयर के लिए, हर प्लेयर अपने डिफरेंट स्टेज पे होता है करियर के, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलना, उनके खिलाफ खेलना, फिर एक इंटरनेशनल सिनारियो, मतलब एक सिनारियो में खेलना जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट से डिफरेंट है और इंटरनेशनल क्रिकेट के ज़्यादा करीब है, बाहर के कोचेज होना, अपने लोकल जो बेस्ट कोचेज हैं उनके अंडर खेलना, इससे बड़ा मौका नहीं मिल सकता, तो कोशिश यही होगी। और फिर एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट के अगर सारे मैचेस खेले तो एटलीस्ट 10 मैचेस तो एक बैट्समैन खेल सकता है इधर, तो वही चीज़ है कि क्रिकेट मिल रही है और जितनी क्रिकेट मिले वो उतना ही अच्छा है किसी भी प्लेयर की डेवलपमेंट के लिए। 2020 और वनडे इंटरनेशनल तो अभी तक आपको खेलने का मौका नहीं मिला, अब आपको उम्मीद है कि आगे जाके ऐसा होगा? वो अगेन जैसे वनडे का मैंने हमेशा से बनाया हुआ था कि अगर मेरी डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेज अच्छी होंगी तो फिर मेरा नाम आएगा, मुझे खेलने का मौका मिलेगा, तो उसी तरह T20 का भी सोच रहा हूँ। अब शुक्र है कि एक PSL जैसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। देखें हर चीज़ को आपको ना एक पॉजिटिव उससे फ्रेम से देखना चाहिए। ठीक है लास्ट ईयर PSL नहीं खेला, लेकिन वो मेरा PSL में तीसरा एडिशन था, PSL का मेरा पहला सिलेक्शन था, तो मुझे एक चांस मिला PSL देखने को कि किस टाइप की क्रिकेट होती है, क्या डिफरेंस है इसमें और डोमेस्टिक क्रिकेट में, क्या इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ। तो अब इंशाल्लाह जब मैं PSL पे जाऊंगा, उम्मीदवार हूँ कि मुझे चांस अच्छा मिलेगा उधर, और क्योंकि वो चीज़ अब मैंने एक्सपीरियंस कर ली है, मेरे लिए एक नई चीज़ नहीं होगी, तो शायद वो मेरे लिए परफॉर्म करने के लिए थोड़ी सी आसानियाँ पैदा। अब इतना ज़्यादा न्यूज़ में नहीं रहते और ज़रा थोड़ा लो प्रोफाइल में रहते हैं टीम में भी, हालांकि यंग है अभी, तो क्या वजह थी? आपको इतना पसंद नहीं है सोशल मीडिया में रहो? या देखें हर किसी की अपनी मतलब वो होती है वे ऑफ लाइफ, उसका तौर तरीका अपना होता है। मेरा जो भी हो रहा है वो इसी पर रहा है कि जो मेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मेरी क्रिकेट है, और मैं कोशिश करता हूँ स्पेशली जब मैं घर पे होता हूँ, जब मैं कराची में होता हूँ, कि मेरा दिन ऐसा रिवॉल्व करे कि वो पूरा क्रिकेट बेस पे करे, कि मैं जो एक्टिविटीज़ करूँ तो उसमें आपकी ट्रेनिंग हो जाती है, आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जो आप मतलब अपने, जैसे आप कहते हैं ना कि क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे एक फिज़िकल से ज़्यादा एक मेंटल गेम है,
तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के उसमें वो चीज़ें रहती हैं। फिर ऑब्वियसली आपका फैमिली से टाइम होता है, फैमिली से हम इतना दूर रहते हैं, अभी 7 महीने बाद एशिया कप से हम चले हैं और अब आके हमें कोई एक हफ्ता मिला है, तो जब इतना कम टाइम मिलता है फैमिली के साथ और अपनी चीज़ पे फोकस करने को, तो आप कोशिश यही होती है कि जो शोधा है पहले उसको बेहतर करें, ये चीज़ें बाद में होती है। सेल्फी वगैरह कुछ आने का आपका भी मूड नहीं होता? मैं, मुझे एक अच्छी सेल्फी लेने भी नहीं आती, तो नहीं क्लोज है अहमद भाई से, बिल्कुल क्लोज है। अंडर 19 क्रिकेट उनके साथ खेला हूँ, आगे भी जितने भी बैच क्रिकेट है, अभी बैंक में हम साथ थे, पाकिस्तान टीम के लिए साथ ओपन की है, तो अच्छा है कि वो वापस क्रिकेट में कम बैक कर रहे हैं, PSL में भी आएंगे तो उनसे भी जरूर बता दूँ। अच्छा, तो अब जब आप टीम में आए वापस, सरफराज आए थे कैप्टन हैं उनके साथ, मुझे लगता है आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी है, तो बड़े हेल्पफुल रहे होंगे आपके साथ, थोड़ा इजी हो जाता है। मैं जब आया था तो टेस्ट टीम में भी आया था, तो फिर अगली सीरीज़ में सैफी भाई आ गए थे टेस्ट टीम में, और फिर वो वहाँ से एक परमानेंट मेंबर हैं, वाइस कप्तान बने, पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाफ काफ़ी खेली, एक टूर एक दो साथ किए, उसके बाद क्लब क्रिकेट भी साथ खेली, अभी इंटर क्लब चैम्पियनशिप हम जीते थे PCC के लिए, हमारा जो पाकिस्तान क्रिकेट क्लब है, तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है उनसे, आई थिंक वो थोड़े से माइंड्स जो हैं वो मिलती हैं आप उसमें, जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं, जिस तरीके से वो चाहते हैं कि दूसरे क्रिकेट खेलें, तो वो एक मतलब उससे बंदा थोड़ा इंस्पायर होता है, उनमें जो एक वो जज्बा है, एक जो उनकी एनर्जी है, जो कप्तान इस तरीके का होता है जिसमें एनर्जी होती है, जज्बा होता है, मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं, तो वो चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं, तो उनसे अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है काफ़ी काफ़ी, मतलब उनसे इन टर्म्स ऑफ एडवाइस भी काफ़ी मतलब लेते हैं कि किस तरीके से कब खेलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, तो काफ़ी उनसे मतलब बातचीत अच्छी रहती है। सर कैप्टनसी आपने भी काफ़ी की, अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान जूनियर टीमों के लिए भी की, तो आप में भी लग रहा है कैप्टनसी की चीज़ लाइक? कैप्टनसी एक बहुत मुश्किल काम है मेरी नज़र में, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, ना सिर्फ फील्ड में क्या हो रहा होता है, फील्ड के बाहर भी क्या हो रहा होता है, क्योंकि कैप्टन की जॉब होती है अपने प्लेयर्स की वेलबींग देखना, और आई थिंक सैफी भाई ने अभी तक जब से वो आए हैं बहुत अच्छी जॉब की है। अगर आप ड्रेसिंग रूम का माहौल देखें, एक बहुत अच्छा ड्रेसिंग रूम है मेरी नज़र में पाकिस्तान टीम में, इससे बेहतर मैंने ड्रेसिंग रूम का माहौल नहीं देखा है, और जहाँ तक मेरा वो है अभी मैं बिलीव करता हूँ कि मुझे अपने आप को एक एस्टेब्लिश मेंबर बनाना है पाकिस्तान टीम का, बाद में क्या चीज़ होती है वो अभी किसी को नहीं पता, अभी सारा फोकस है कि अपनी कारकर्दगी और अच्छी करनी है पाकिस्तान के लिए, खूब सारे इवेंट्स करने और पाकिस्तान को तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना। यूनुस खान के भी आप काफ़ी क्लोज रहे, उनके साथ भी काफ़ी ट्रेनिंग वगैरह करते रहते थे, उनका भी बड़ा असर है आपके बैठ, उनको तो मैं अपना मतलब हर किसी का एक ना एक मतलब मेंटोर होता है, उस्ताद होता है, तो उनको मैंने हमेशा एक उस्ताद के उससे देखा, जब से मैंने हबीब बैंक ज्वाइन किया था तब से यूनुस भाई भी उधर है, साथ हम लोग UBL गए और उनसे बहुत कुछ सीखा, पाकिस्तान टीम में भी जो मैंने पाकिस्तान के लिए एक वाहिद सौ की अभी तक वो उनकी मौजूदगी में किया, साथ में एक बहुत अच्छी हमारी पार्टनरशिप हुई थी श्रीलंका में, तो यूनुस भाई से काफ़ी सीखा है, अभी भी उनसे साउथ अफ्रीका में भी जब था तो उनसे बात होती थी, हर ग्राउंड की इंफॉर्मेशन लेता था, बॉलर्स की इंफॉर्मेशन लेता था, किस तरीके से खेलना है, क्या नहीं करना है, हमेशा वो अवेलेबल होते हैं कॉल पे या इन पर्सन, या फिर कराची आता हूँ 2-3 दिन के लिए तो उनसे वो होती है, नेट करना होता है नेट कर लेते हैं, मैचेस खेलने होते हैं साथ मैच खेल लेते हैं, तो उनका आई थिंक काफ़ी अच्छा इन्फ्लुएंस रहा है मेरे करियर पर अभी तक। सर अच्छी बात है, उम्मीद करते हैं यूनुस खान की तरह आप भी खूब सेंचुरियाँ बनाएंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर।